आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 97 तक पहुंच गई है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस वेरिएंट के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। हालांकि शुरुआती आंकड़ों से पता चलता है कि ये वेरिएंट अब तक के सभी स्ट्रेन से बिल्कुल अलग है। इसके लक्षण भी पहले की तुलना में इस बार अलग है। बता दें कि ये वेरिएंट अब तक 77 देशों में फैल चुका है और किसी भी अन्य स्ट्रेन की तुलना में कोरोना के इस वेरिएंट की रफ्तार ज्यादा है। ब्रिटेन में गुरुवार को कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 88,376 केस मिले हैं। वहीं अमेरिका में 36 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। भारत में भी हर दिन इसके केस बढ़ते जा रहे हैं। रहे हैं, लेकिन अब चिंता की बात यह है कि 77 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है और लगभग 100 के करीब आंकड़े अभी तक देश में सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है। 97 मामले सामने आ चुके हैं ओमिक्रॉन के और अब देश में इससे चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ये वेरिएंट पहले की तुलना में बाकी अन्य वेरिएंट से भी अलग है। इसके लक्षण भी पहले की तुलना में इस बार अलग है, जो कि काफी चिंता बढ़ा रहे हैं सभी की। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो लक्षण है वो भी अलग है और ये तेजी से फैल रहा है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये? मैं बताऊं, आज से लगभग 25 दिन पहले जब वायरस की बात की जा रही थी तो माना जा रहा था कि वायरस अल्फा डेल्टा के वेरिएंट जैसा ही रहेगा, पर जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत हुई उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, जो कि भारत में पाया गया था, काफ़ी बड़ी संख्या में इससे मौत हुई थी, तो माना जा रहा था कि बड़ा इसका नुकसान होगा वो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। उपाय हो भी रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 7 गुना ज़्यादा स्पीड से ये वायरस फैल रहा है। जितने दिनों में डेल्टा वेरिएंट फैलता था उससे दुगनी रफ्तार में इसके मरीज संक्रमित हो रहे हैं। शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से जरूर हुई थी, पर अब ये मान लीजिए कि विश्व के लगभग 70 देशों में फैल चुका है। इसकी संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जहाँ पर जीनोम सिक्वेंसिंग हो जाती है वहाँ पर ये साफ हो जाता है कि आप ओमिक्रॉन की कोरोना का नया वेरिएंट से संक्रमित हैं। वहीं अगर भारत की बात करें, लगभग 97 मरीज आ चुके हैं, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, पर ये संख्या भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर लोगों की सीरम सिक्वेंसिंग नहीं हो पाई है, तो ये आंकड़ा मेरे ख्याल से बहुत साफ स्पष्ट नहीं है। हालांकि 97 आंकड़े आए हैं, पर अगर और लोगों की जो में भी कोई लक्षण आ रहा है या बुखार आ रहा है, इस तरह के जो लक्षण आ रहा है ओमिक्रॉन के, अगर उनकी भी सीरम सिक्वेंसिंग होगी तो इनकी जो संख्या है वो भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि जिस तरह से इंटरनेशनल फ्लाइट पर रोक लगी थी, पर अभी भी कई मामले ऐसे हैं जिन्होंने लोग आए हैं, यात्री आए हैं और वो लापता हो गए हैं, उनकी लगातार ट्रेसिंग चल रही है। यही वो लोग होते हैं जो कि कोरोना के इस वेरिएंट को पहले भी फैलाए थे और इस वेरिएंट को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। इनकी ट्रेसिंग होना जरूरी है। लोग खुद भी अपने आप को संक्रमित रखते हैं और दूसरों को भी संक्रमित करते हैं। ये जो एक जो चलन है, बड़ा खराब चलन है, क्योंकि इसके द्वारा ही फैलता है कोरोना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी ट्रेसिंग हो भी जाती है तो उनको वो अपने आप को प्रॉपर तरीके से नंबर नहीं देते हैं और बताते भी नहीं है कि हमारी ट्रैवल हिस्ट्री क्या रही है और हम किन किन लोगों के साथ में आए हैं, उनके किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है, केंद्र सरकार की बात करें तो लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है और तमाम ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इस वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके। पर अब तक अगर आप देखें कि जब से फ्लाइट्स का आना बंद भी किए हैं, जाना भी बंद है, उसके बावजूद पहले से ये वेरिएंट फैल चुका है और लगभग 97 मामले आ चुके हैं, जो कि वास्तव में चिंता का विषय है। हालांकि एक थोड़ी सी राहत की बात जरूर है कि अभी तक कोई बड़ी मौत की खबर इस मामले में नहीं आई है। हाँ, कोरोना से जरूर मौत हो रही है, पर अभी वो मौत कोरोना से संक्रमित था कि वो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से, ये अभी भी प्रश्न का चिन्ह है।
जी गौरव, जिस तरह से ब्रिटेन में गुरुवार को 88,376 नए मामले सामने आए हैं और अमेरिका में भी 36 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, अगर इसका प्रसार भारत में होता है तो किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिका में पिछली बार महामारी बहुत तेज़ी से फैली थी आपकी कोरोना की, और ब्रिटेन में भी यही हालत थी। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवाएं हमसे कहीं अव्वल दर्जे की है, कहीं बेहतर दर्जे की है, उसके बावजूद हिंदुस्तान में जिस तरह से फैल रहा है तो चिंता का विषय है ही। निश्चित रूप से हमें प्रति राज्य बर राज्य ये बैठक करनी होगी, उसके बाद भी कुछ फैसला ले सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। अगर लॉकडाउन पर भी स्टेज पर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप में काफ़ी पिछड़ने की संभावना रहती है, और पिछले बार देखा भी गया है। इसलिए लॉकडाउन को ना नकार तो अपने स्तर पे ही कुछ प्रयास करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को, अलग अलग राज्यों की गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा और एक प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे कि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और जिस तरह से आज के समय में जो मास्क के लोग यूज नहीं कर रहे, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे, भीड़ वाली जगह पे जा रहा है, कुछ गाइडलाइंस सरकारों द्वारा जारी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो कोरोना के मामले तो लगातार सामने आ रहे, लेकिन 97 मामले ओमिक्रॉन के भी अब भारत में सामने आ चुके हैं। योगी सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में बयान दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में एक भी इंसान की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। इस बयान पर सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। अगर थोड़ा पीछे जाकर उस मंजर को याद करें तो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश में ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी। अस्पताल में बेड्स की मारामारी थी, सड़कों पर लाइन लगाए मरीज और दवा की किल्लत से जूझते लोगों की तस्वीरें सामने आती जा रही थी। सरकार का दावा जो भी हो, लेकिन उस वक्त की तस्वीरें सभी ने देखी थी कि सभी को याद है कि उस वक्त क्या कुछ मंजर देखने को मिला था। संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े हैं। गौरव, मारामारी देखी गई थी, वो मंजर शायद कोई नहीं भूल सकता, किस तरह से ऑक्सीजन के लिए लाइन लगी हुई थी लोगों की। क्या कहेंगे, अभी भी कहेंगे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान नहीं गई थी? सरकार के आंकड़े अलग है, सरकार किन आंकड़ों पर किन विश्वास पे ये आंकड़ा जारी करती है मुझे नहीं पता है। फिलहाल जिस तरह से कल चिकित्सा मंत्री ने एक लेटर जारी किया था कि सरकार ने ये दावा किया है कि कोई भी मौत कोरोना से नहीं, जो आपकी जो गैस है, जो आपकी ऑक्सीजन है, उसकी कमी से नहीं हुई है। हालाँकि इस पर विधानसभा सत्र जो जारी है उसमें भी जो कांग्रेस विधानमंडल के नेता है दीपक सिंह, उन्होंने सरकार को घेरा था और उन्होंने प्रश्नकाल में ये प्रश्न भी किया था कि सरकार बताए कि कोरोना से मौत कितनी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन से मौत कितनी हुई है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया है कि कोरोना से मौत जरूर हुई है पर ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। पर ये हम सबने भी देखा है कि ऑक्सीजन की क्या कमियां रही, क्या किल्लत रही है। सरकार अपने दावे कर रही वो अलग बात है, पर कहीं ना कहीं कुछ दावे ऐसे हैं जिनके सूत्र हैं वो गलत हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार ऑक्सीजन की कमी पाई जाती, लगातार लोग लाइन लगाए हुए थे, और ऑक्सीजन की कमी केवल प्रदेश की भर की बात नहीं, ये पूरे देश में स्थिति यही थी। देश की राजधानी दिल्ली में भी यही अमूमन यही हाल था कि लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे, लगातार लाइन लगा रहे थे। जिस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत आवश्यक है, अगर जब तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि जिस तरह से आप सूत्र बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, पर फिलहाल अभी इसमें आंकड़े आने बहुत जरूरी है कि सरकार ने दावा किया है, वो दावा किस बिना पे किया है, क्या सूत्र है, क्या निष्कर्ष है, वो फिलहाल अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। जी गौरव, ये तो बिल्कुल साफ है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों ने दम तोड़ा था, ऑक्सीजन की कमी अस्पतालों में देखने को मिली थी, बाहर भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे ऑक्सीजन, लेकिन अब आने वाले समय में दोबारा इस तरह की कोई किल्लत ना देखने को मिले ऑक्सीजन की या फिर किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित चीजों की, तो उसके लिए क्या करेगी सरकार? देखिए, सरकार ने इससे पहले भी एक अपने आप में एक गाइडलाइन जारी की थी, 416 ऑक्सीजन जाएंगे, सरकार उसके लिए प्रयास भी कर रही है। और आपको बता दूं तो लगभग 170 ऑक्सीजन प्लांट अलग अलग जिलों में लग चुके हैं, अन्य पे काम जारी है। तो निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर आई थी, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मरे थे, उसको देखते हुए लगातार प्रयास कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्रिपल टी की जो ट्रेसिंग टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की जो नीति बनाई थी उस पर लगातार आज भी काम कर रहे हैं, और समय समय पर कोरोना के संबंधित वो जो गाइडलाइंस है वो जारी की जाती है सरकार के द्वारा।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जुड़े थे। तो कोरोना की जो तस्वीरें लोगों ने देखी, वो मंजर देखा, वो शायद कोई भूल नहीं पाएगा, क्योंकि कई अपनों को गवाया था लोगों ने। और इसी चीज को देखते हुए जब ये बयान सामने आए, तो इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। बुलंदशहर में हैवानियत की हद पार करने वाला मामला सामने आया है। दुष्कर्म में नाकाम रहने पर दलित महिला की गर्दन रेत दी गई। घटना कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव भोरपुर की है। बता दें कि खेत में चारा काटने के दौरान 50 वर्षीय दलित महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया गया, जिसका विरोध करने पर दरांती से गर्दन रेत कर आरोपी फरार हो गया। खेत में पहुंचे बेटे को मां खून से लथपथ हालत में मिली। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल भेजा गया, जहां महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के बेटे ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करा दी है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। देखिए, एक 55 वर्षीय महिला थाना जहांगीराबाद क्षेत्र के भोपुर गांव में अपने खेत पर गई हुई थी। उम्र लगभग 55 ईयर्स है। उसी गांव का एक ललित नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में बताया जाता है गांजा भांग का सेवन करता है, उसके द्वारा किसी बात पे रुष्ट होकर के दराती से उसके ऊपर अटैक किया गया। गर्दन में चोट आई। यद्यपि महिला इलाजरत है और खतरे के बाहर है, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। गंभीर धारा में अभियोग दर्ज। देखिए, 55 वर्षीय महिला, तो एक महिला के साथ दरिंदगी की हैवानियत जो देखने को मिली है, बुलंदशहर से ये मामला सामने आया है। दुष्कर्म में नाकाम रहने पर दलित महिला की गर्दन रेत दी गई। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिवांग जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से। शिवांग, क्या है पूरा मामला और किस वक्त की ये घटना बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, शाम के वक्त जब एक अधेड़ उम्र की महिला अपने खेतों में काम कर रही थी, तो वहां पर एक गांव का ही एक युवक तभी उस महिला के पास जाता है और हैवानियत करने की मंशा से वो अपने उस महिला के पास जाता है, लेकिन वहाँ पे दुष्कर्म का प्रयास करता है। लेकिन उसके बाद महिला जो है जिस प्रकार से अपना विरोध करती है, तो उसके बाद विरोध करने पर उसकी गला रेत कर देता है। उस दराती मारकर जो खेतों में काम करते हैं, दराती से उससे गला रेत दिया जाता है। महिला की हालत नाजुक है, हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और महिला जो है गंभीर हालत में महिला का इलाज चल रहा है। बुलंदशहर पुलिस फौरन तौर पर एक्शन में आती है, एफआईआर दर्ज करती है। संगीन धाराओं में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और अब जो है आरोपी जो है जो फरार हो चुका है, उसको गिरफ्तारी के लिए लगातार बुलंदशहर पुलिस चिकन जब्ता कर रही है। जी शिवांग, क्या अपराधी का पता चल सका है? जी बिल्कुल, अपराधी जो है वो गांव का ही रहने वाला है और वो फिलहाल फरार चल रहा है। घटना कारित करने के तुरंत बाद अपराधी वहां से फरार हो चुका है, लेकिन बुलंदशहर पुलिस की टीमें तैनात कर दी गई है। पुलिस जो है पूरा शिकंजा कसे हुई है, इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार टीमें प्रयास कर रही है। जहां एक तरफ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसे हुए है और इस तरह की घटनाएं ना हो इसके हिसाब से प्रशासनिक कालाधिकारी भी हमेशा अलर्ट रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस तरह की जघन्य वारदात सामने आती है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी घटना अपने आप में साबित होती है, लेकिन पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। धारा 354 पर, 324 और SC/ST एक्ट के तहत और 324 जैसी संगीन धाराओं में हत्या का प्रयास जैसी मुकदमाओं में उनके अपराधी पर जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी शिवांग, क्या कोई इनका जमीनी विवाद चल रहा था जिसके चलते ये सब किया गया है, या किसी पे शक जताया गया है इस मामले में? देखिए, अभी तक ऐसा कोई कुछ मामला तो सामने आया नहीं है जो जमीनी विवाद को लेकर, लेकिन बुलंदशहर पुलिस का जो ऑफिशियल वर्जन है उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि जो वो दुस्साहस का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका विरोध करने पर उसने महिला ने जब उस चीज का विरोध किया तो आरोपी ने उसको गला रेत किया गया और दराती से गला काट दिया गया। जी शिवांग, क्या महिला का कोई बयान सामने आया है? महिला की हालत नाजुक है तो इसलिए अभी बोल पाने में सक्षम नहीं है और इनका अभी तक कोई भी ऑफिशियल रूप से उनका बयान सामने अभी तक नहीं आया है। जो उनके बेटा था, जब वो वहां पर पहुंचा, बेटे ने गंभीर हालत में देखा महिला को, खून से लथपथ देखा, तो उन्होंने फौरन तौर पर अस्पताल लेकर गया और वहां पर इलाज कराया। फिर उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कराई, थाने गया और पुलिस भी लगातार जो है
शिकंजा कसे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शिवांग जुड़े थे। तो दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, बुलंदशहर से ये खबर सामने आई, जहां पे महिला का विरोध करने के बाद गला रेत दिया गया। तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई हैं। बुलंदशहर से ये मामला सामने आया, जहां दुष्कर्म में नाकाम रहने पर हत्या का प्रयास किया गया है। हालांकि महिला अभी जीवित है, हालांकि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और 50 से 55 के बीच ही उम्र बताई जा रही है इस महिला की। खेत में चारा काटने के दौरान 50 वर्षीय महिला, दलित महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है, जिसका विरोध करने पर दरांती से गर्दन रेत कर आरोपी फरार हो गया। खेत में उसके बेटे ने जब अपनी मां को खून से लथपथ देखा तो उसने आनन फानन में महिला को यानी अपनी मां को अस्पताल में भर्ती कराया और इस मामले में FIR भी दर्ज कराई है, जहां उसकी मां की हालत नाजुक बनी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आगरा में योगी सरकार का लोगों ने किया अनोखा विरोध, विकास कार्य नहीं होने से आक्रोशित नजर आए लोग। यमुना आरती स्थल पर झुंझुना दिवस मनाया गया। आगरा को एयरपोर्ट, बैराज, हाईकोर्ट नहीं मिलने से खफा आगरा के निवासियों ने सरकार का विरोध करते हुए झुंझुना दिवस मनाया और इस झुंझुना दिवस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से झुंझुना बजाते हुए और सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं जिलावासी। आगरा से ये खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है, अनोखे अंदाज में विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, विकास नहीं होने से नाराज नजर आ रहे हैं सभी लोग। और साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा है कि एयरपोर्ट, बैराज, हाईकोर्ट नहीं मिला है आगरा को, जिससे खफा नजर आ रहे हैं निवासी, जिसके बाद उन्होंने झुंझुना दिवस मनाया और साथ ही इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि एक अनोखे अंदाज में सरकार का विरोध करते हुए नजर आए हैं ये सभी निवासी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, जिस तरह से अनोखा विरोध किया गया है, अब इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भाजपा के द्वारा जो वादाखिलाफी की गई थी जनता के साथ में, तो वही उसी को लेकर के एक जनता ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर के उन्होंने झुंझुना, बच्चों का जो झुंझुना होता है उसको दिखा करके एक अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसका की एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर से देखा है कि जो भाजपा ने यूपी सरकार की सरकार थी ना, उसने साफ तौर पर एक वादा किया था आगरा में उनके मंत्रियों के द्वारा आकर के, कि कहा कि आगरा को एयरपोर्ट और आगरा को बैराज और हाईकोर्ट, ये चीज इन सब कोई सौगात मिलेगी। तो अब तक भाजपा के उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे 5 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक कोई भी इनमें से कोई भी ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए गए हैं। तो इसी को लेकर के जो आगरा की जो जनता है वो काफी परेशान है और उसने एक अनोखा प्रदर्शन जो कि झुंझुना दिखाकर के, जो बच्चों का होता है कि बच्चों को बहलाने के लिए, बहलाना फुसलाने के लिए जो कि झुंझुना दे देते हैं लोग, तो इसी तरह सरकार के द्वारा जनता को एक झुंझुना दे दिया गया जिससे कि जनता बहल जाए। लेकिन जनता अभी इस चीज को जान गई है कि सरकार के द्वारा वादाखिलाफी की गई है। जी जी ममता, जो चुनाव का माहौल है, इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ सौगात दे सकते हैं आने वाले दिनों में सरकार के मंत्री या फिर नेता? जी बिल्कुल शिखा, बता दूं आपको कि जिस तरह ये जो वादाखिलाफी के की जो बात आ रही है जो सामने, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार अब जब 5 साल पूरे होने को आ गए, तो हो सकता है कि जिस तरह की जनता के, जैसे पब्लिक रिव्यू के द्वारा भी देखा जा रहा है कि जनता कहती है कि जो भाजपा की जो सरकार है वो एक अब लॉलीपॉप देने का हमें काम कर रही है। जैसे कि सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा जो राशन जो दिया जा रहा है, जो कि महज अब मार्च तक के लिए ही दिया गया है, तो उसमें साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो महज मार्च तक के लिए जो राशन दिया जा रहा है जनता के लिए, तो एक जनता के दिलो दिमाग में साफ है और जनता साफ तौर से कैमरे के सामने भी ये चीजें कहने को तैयार हो जाती है कि ये अब योगी सरकार के द्वारा एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। जी जी ममता, आगरा में एयरपोर्ट, बैराज, हाईकोर्ट जैसे वादे जो विकास के किए गए थे वो तो नहीं हुए, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि विकास कैसा देखने को मिल रहा है, सड़कों का क्या हाल है, सीवर के क्या हाल है, सफाई को लेके क्या हाल है, तो विकास कैसा दिख रहा है? जी बिल्कुल, जो विकास की अगर हम बात करें तो योगी सरकार के द्वारा आगरा के अंदर इस तरह का जो बैराज और एयरपोर्ट और हाईकोर्ट ये तो हुए ही नहीं,
लेकिन अगर बात करें सफाई की, तो सफाई के नाम पर भी बिल्कुल आपके तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह की सफाई भी जो सीवर लाइन है वहाँ की लीकेज है जगह जगह, और पानी की समस्या की बात करें तो पिछले दिनों महिलाएं पानी के जो बर्तन लेके रोडों पे आ गई हैं, और जहाँ हम बात करें विकास की, तो विकास जो गड्ढा मुक्त जो सड़कों का जो नारा था योगी जी का कि गड्ढा मुक्त सड़कें, तो जनता के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है और हमारे द्वारा देखा भी गया है कि गड्ढा मुक्त ना होकर के गड्ढा युक्त है सड़कें आगरा जी की। तो क्या शिकायतों की सुनवाई होती है ममता आगरा में? बिल्कुल, शिकायतों की कोई भी सुनवाई नहीं होती। जैसा कि देखा जा रहा है कि धनौली का अभी प्रकरण लगातार जारी है, और आज धनौली की जनता के द्वारा जो अपने अपने घरों पर एक पोस्टर चप्पा कर दिए गए थे, जिससे कि साफ तौर से उन्होंने लिखा है कि हम यहां से पलायन करने को तैयार हैं। तो जिस तरह देखा जा रहा है कि योगी सरकार के द्वारा लगातार जो वायदे किए गए हैं वो वायदे खिलाफ है, और जनता बहुत परेशान है। और पिछले तीन महीने से जो धनौली की जनता है वो लगातार वहां से आगरा के जिलाधिकारी हैं, उन्होंने एक महीने पहले भी उनको आश्वासित किया था धनौली की जनता को कि आपकी जो पानी और जो नाले की समस्या है उसको समाधान किया जाएगा, लेकिन आगरा जिलाधिकारी आगरा के द्वारा भी इस समस्या का आश्वासित करने के बाद भी कोई निदान नहीं किया गया है। तो अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो उसमें कैसा हाल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग में भी इसी तरह की धांधलीबाजी देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी पिछले विगत तीन चार दिन पहले ही यह देखा जा रहा था कि जो कोरोना वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन है उसके नाम पर भी जो स्वास्थ्य कर्मचारी 10 रुपए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 रुपए पर रजिस्ट्रेशन की लेकर के उसे 10 रुपए से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो कोरोना वैक्सीन है, तो साफ तौर से स्वास्थ्य विभाग भी इस जगह कहीं ना कहीं पूरी तरह से ध्वस्त दिख रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं उनकी भी डील पोल है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।